नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भले ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जमीन से लेकर शीर्ष तक मंथन कर रही है, उससे यही लगता है कि 2022 की रेस में वो सबसे आगे चल रही है। सीएम योगी की लड़ैया वाली जो इमेज सामने आ रही है वो विपक्षियों को सत्ता से दूर करने के लिए काफी है। बड़ी बात यह है कि इस समय थीम सॉन्ग का दौर चल रहा है। नेताओं पर बनने वाले थीम सॉन्ग में सीएम योगी को लड़ैया दिखाया गया है, तो अखिलेश यादव को मुरलीधर का रूप देने की कोशिश की गई। ये थीम सॉन्ग नेताओं की कितनी नैया पार लगाएंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह पीएम मोदी यूपी को सौगातें दे रहे हैं, उससे भी साफ पता चलता है कि 2022 की रेस में सीएम योगी आदित्यनाथ के खाते में बोनस अंक आ रहे हैं और यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ ही नजर आ रहे हैं। तो आज की बड़ी ही चर्चा यही है कि सुरों के माध्यम से क्या 2022 के चुनाव में जीत का एक नया पैदा चलने के लिए तमाम पार्टियां आगे आ गई हैं और किस तरह से सीएम योगी लड़ैया साबित हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और इस माहौल में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से बीजेपी में संगठन स्तर पर साथ ही सरकार के स्तर पर बड़े घटनाक्रम देखने को मिल चुके हैं। हाल फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से जातीय समीकरणों को साधने की हर संभव कोशिश की जा रही है। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की बात हो या फिर राज्य की योगी सरकार में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात हो। हाल ही में पीएम मोदी ने काशी जाकर बहुप्रतीक्षित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही लगभग 1500 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण किया। अब पीएम मोदी 30 जुलाई को यूपी आएंगे और 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी की ये बड़ी सौगातें बीजेपी को बड़ी मदद दिलाने के लिए काफी हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन फिर भी चुनाव को लेकर वो विपक्षी दलों से 4 कदम आगे चल रही है। सीएम योगी के ऊपर एक सॉन्ग लॉन्च किया गया है कि वो सबसे बड़े लड़ैया हैं। कल आबकारी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसको अपनी संपत्ति जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। सीएम योगी का अंदाज साफ तौर पर उनकी लड़ैया इमेज को दर्शाता है। खैर, 2022 के लिए वैसे तो सभी राजनीतिक दल कमर कसकर चुनावी दंगल में कूदने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और सीएम योगी अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, उससे तो यही लगता है कि विपक्ष की तैयारियों से बीजेपी की रणनीति कुछ आगे चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सीएम योगी को यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा लड़ैया बताया जा रहा है, तो क्या वाकई उनके आगे कोई नहीं है, या फिर वो कौन है जो योगी की सत्ता को चुनौती दे सकता है? अजय सिन्हा की रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो इस बार यूपी उत्तर प्रदेश में 2022 आगामी चुनाव को लेकर सुरीली सियासत भी देखने को मिल रही है, वो भी काफी मजेदार है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, इसमें मौजूद है भाजपा की युवा मोर्चा, हमारे साथ मानस द्विवेदी जी मौजूद है, कांग्रेस से आशीष कुटादिया जी मौजूद हैं, सपा से विवेक पांडे जी मौजूद हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि आप लोगों ने रथ का जो आगाज किया है, दिन भी सही चुना है और आगाज भी कर दिया है, साथ ही साथ वो मुद्दे भी आपने एक बार फिर से छेड़ दिए हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, क्या लगता है क्या रणनीति है इस बार की? विवेक जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मानस द्विवेदी जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, जो नया सॉन्ग हमने सुना है और जो देखा है, जिससे साफ तौर पर जो एक इमेज योगी आदित्यनाथ जी की सामने आई है, सबसे बड़े लड़ैया बता दिया है, तो क्या लगता है सिर्फ लड़ैया वही है और कोई टिक नहीं पाएगा सामने? बिल्कुल कीर्ति जी, परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
उत्तर प्रदेश में अपराधों के खिलाफ लड़ैया है, उत्तर प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ैया है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जनता को ठगने का कार्य करी, वही परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने विकास की गंगा बहाई है, सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास किया है, और आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता देने जा रही है। नहीं तो आपने तय कर लिया है उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सत्ता देने जा रही है, लेकिन किस आधार पर? जो विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहुत अहम हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना काल में जो खामियां देखी उसका मुद्दा लेकर तो आगे बढ़ रहे हैं वो। उन्होंने तो सपा ने तो रथ यात्रा भी निकाल दी है। समाजवादी पार्टी का रथ जिस प्रकार पिछली बार पंचर हुआ था, 2017 विधानसभा चुनाव ले लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर फेल रही है। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों का अंबार लगा हुआ है, चाहे परसों खेल प्रशिक्षकों को की नियुक्ति हो अथवा कल मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए प्रमाण पत्र हो, यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे सर्वांगीण विकास हो, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता विकास विकास और विकास है बस। तो क्या लगता है जो आप चुनाव जीते हैं वो विकास के आधार पर ही जीते हैं और आगे भी विकास के आधार पर जीतेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता विकास का पर्याय मुख्यमंत्री, लेकिन मानस द्विवेदी जी, इस विकास का पर्याय आपके लिए क्या है? क्या ऐसे विकास के कार्य हुए हैं इन 5 सालों में जो आप जनता के सामने रखेंगे? चाहे नेशनल हाईवे ले लीजिए, कल माननीय नितिन गडकरी जी ने 84 कोसी परिक्रमा जो होती है अयोध्या में, बस्ती से अयोध्या 127 किलोमीटर की वो रोड है, NHAI में है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, उसके बाद चाहे आप शहर में महिला सुरक्षा ले लीजिए, हर मायने पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नंबर एक का काम कर रही हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, आधारहीन है, तथ्यहीन बातें करने के अलावा इन लोगों के पास कोई और बात नहीं बची है। लेकिन मानस जी, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, क्या यही विकास के मुद्दे? क्योंकि जरूरी, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो विकास के मुद्दे कुछ और ही नजर आते हैं और लोगों की मूल रोजगार की बात सबसे पहले की, तो रोजगार के लिए आपको क्या लगता है, जहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? 14 साल का जो वनवास है, जो गड्ढा है, उसको पाटने में समय लगेगा, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है। ठीक है, 14 साल का जो गड्ढे बनाए हुए हैं विपक्षियों द्वारा, उसको आप पाटने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा, तो आपको 5 साल और चाहिए। ठीक है विवेक जी, मैं आप पर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, जो रथ यात्रा की शुरुआत की है, दिन भी सही चुना है और कहीं ना कहीं निषाद वोटरों को खींचने का जो एक दाव है वो क्या है? सटीक जाकर बैठेगा? दूसरा, जिस तरह से आज मानस जी कह रहे हैं कि जो पिछली पार्टियों ने जो गड्ढा बना दिया है उसको पाटने में थोड़ा वक्त लगेगा और ये 5 साल का वक्त और खींचेगा। कीर्ति जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ धन्यवाद देता हूँ पूरे मंच को और इतने ज्वलंत विषय को उठाने के लिए, विशेष रूप से प्राइम टीवी को, और प्राइम टीवी को विशेष धन्यवाद मैं पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस परिवार की तरफ से देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की विधि पूर्वक चलाई जा रही एक मुहिम को सबसे पहले कवरेज आपने दी है, तो इस निष्पक्ष मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो मेरी तरफ से। दूसरी बात, मुद्दे पे आता हूं मैं, गड्ढे तो हैं, ये बात सत्य है, गड्ढे हैं। अगर आप मोती महल की तरफ से चलेंगी तो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे, आप कोर्ट की तरफ जाएंगी गड्ढे ही गड्ढे दिखाएंगे, लखनऊ के हर उस कोने में गड्ढे हैं जहां योगी जी नहीं जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की बात ये करते हैं, अगर कि ये इतिहास की बात करते हैं, जब आप इनसे मुद्दों पे आएंगी बात करने, ये इतिहास में चले जाएंगे, क्योंकि इनके लिए काम करना या जिसका काम बोलता है ना, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें घोटाला हो गया, स्वीकार नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ही झुटला दिया इन्होंने सीधे सीधे, इनके मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद सुनिए, निष्पक्षता की बात करते हैं, आज योगी जी का एक ट्वीट भी आया है कि गलत काम करने वालों की संपत्तियां जब्त करेंगे, लड़के भ्रमित ना हो, युवाओं को भ्रमित नहीं होने की आवश्यकता है, जो गलत करेगा उसकी संपत्ति जब्त करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं पहले तो अपने माननीय मित्र से, जो भाजपा के सत्ता पक्ष से आकर के बड़े बड़े वक्तव्य दे रहे हैं, भाजपा के जिन पदाधिकारियों ने अवैध कब्जे, अवैध निर्माण कर रखे हैं, क्या आपके बुलडोजर के तेल, डीजल, पेट्रोल समाप्त हो जाते हैं उनकी संपत्तियों पे कार्रवाई करते हुए? मैं इसी चैनल पे आजमगढ़ का एक प्रकरण कई बार उठा चुका, आज तक आपके योगी जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके ऊपर कार्रवाई कर सके, और ऐसे कई उदाहरण मैं लखनऊ के भी आपको दे दूंगा। दूसरी बात,
ये जो रोजगार के आंकड़े दिखाते हैं कीर्ति जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात सार्थक रूप से प्रामाणिकता के साथ बता दूं, इन आंकड़ों को केवल कागज पे देखिए, संविदा पे देखिए, क्योंकि जो नौकरियां ये बता रहे हैं उन नौकरियों में 2.25 लाख रोजगार ऐसे हैं जो कि अभी तक उनको नियुक्तियां ही नहीं दी गई है। आप कहिए तो मैं बच्चों को लाइन पे जोड़ करके अभी इनसे, अगर ये तैयार हो तो ये इस बात पे डिबेट या बहस कर लें बच्चों के साथ सीधे। 2486 दरोगा घर बैठे हैं ट्रेनिंग लेकर के 1 साल 7 दिन की, उन बच्चों की ज्वाइनिंग की कोई फिक्र नहीं है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है। 1800 को नियुक्तियां मिल चुकी हैं विवेक जी, जानकारी मैं आपको मैं आपसे ज्यादा दुरुस्त जानकारी रखता हूं। आप कहिए मैं बच्चों को अभी लाइन पे लेने के लिए तैयार हूं, आप बात करेंगे, आप जवाब देंगे बच्चों का। 24 आप कैसे कह सकते, मेरी बात पूरी हो जाए, नहीं नहीं ये झूठ बोल, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात एक लाइन में पूरी हो जाए, एक लाइन में मेरी बात पूरी हो जाए। 2486 बच्चों का जजमेंट 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, कहां से आपने नियुक्ति दे दी विवेक जी? नेशनल टेलीविजन पे बैठने के पहले तथ्यों की बात क्या कीजिए प्रामाणिकता, आप अपने तथ्यों को सुधार लीजिए, उसके बाद मुझसे बात करिए। 5 फरवरी का जजमेंट, 5 फरवरी मैं तैयार हूं, 5 फरवरी का जजमेंट रिजर्व करने के लिए, 5 फरवरी का जजमेंट रिजर्व है। बताइए जजमेंट कब रिलीज हुआ, बताइए ऑर्डर में क्या लिखा गया है, वो मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट। विवेक जी सुन लीजिए, आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए जवाब दे रहे मानस जी। जी मानस जी, विवेक जी मार्च में सर्टिफिकेट मिल चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग, उसमें से क्योंकि मेरे दो स्वयं के मित्र हैं कैंट थाने बनारस में, एक की पोस्टिंग है, मुझे लगता है मुद्दे से ना भटकाइए, मुद्दे से ना भटकाइए, मुद्दे पे मैं नहीं भटका रहा, मैं अभी भी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 क्योंकि रथ तो पंचर हो गया विवेक जी, विवेक जी रथ तो पंचर हो गया था, पिछली बार भी पंचर हुआ था, अभी भी पंचर होगा। रथ तो सुन लीजिए मानो जी, रथ तो कभी पंचर हुआ ही नहीं क्योंकि रथ के पहिए बड़े मजबूत होते हैं। अरे 100 कदम नहीं बढ़ पाया था सरकार, पर पंचर होती है आपकी सरकार, कालिदास मार्ग से 100 कदम नहीं बढ़ पाया था, भूल गए क्या? अच्छा ये बताइए, ये बताइए कि ब्रजेश जी के यहाँ जो छापा पड़ा है भारत समाचार, कुछ मिला कि बस आपने इनकम इनकम कीर्ति जी मैं जवाब दे दूं, कीर्ति जी 2 सेकंड कीर्ति जी मैं जवाब दे देता हूँ विवेक जी को। विवेक जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है उसको करने दीजिए, भटकाने की कोशिश ना करिए, हम तो जानना चाहते हैं, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा विवेक जी। देखिए इस पर भी चर्चा हम पिलाएंगे आपको, परेशान मत होइए, लेकिन विवेक जी आज का मुद्दा जो है रथ यात्रा, वो कह रहे हैं पंचर हो जाएगी, 100 कदम भी नहीं चल पाएगी, उस पर बताइए ना, बिजली फ्री देने की बात करिए आपने, बेरोजगारी खत्म करने की बात करिए, एक मिनट विवेक जी सुन लीजिए, अगर रथ यात्रा पंचर हो गई होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बच्चों के ऊपर लाठियां नहीं चलवाने की आवश्यकता पड़ती इनको, और ना ही इस प्रकार के धमकी पूर्वक इस तरह के ट्वीट करने पड़ते। मैं तो कह रहा हूँ कि 32,022 शिक्षक भर्ती, 12,464 शिक्षक भर्ती, उसके बाद 2486 दरोगा भर्ती, उसके बाद सीएससी मेडिकल, लेखपाल भर्तियां भूल गए क्या? लेखपाल भर्तियां भूल गए क्या? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ लेखपाल भर्तियां भी आपका जुमला था। इस वक्त मैं आप लोग को समय दूंगी, आप दोनों आपस में जब भी आपको जवाब करना हो, लेकिन अभी फिलहाल एक एक करके बोलिए। विवेक जी मनोहर लाल खट्टर का आपने ही दिन चुना जिस 23 तारीख को, तो क्या लगता है निषादों को साधने की जो आपने कोशिश की है पूरे तौर पर, वो कितनी हद तक सफल आएगी? देखिए कीर्ति जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान राजनीति बदलाव की बयार और बदलाव की मांग कर रही है, इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश की पूरी जनता अपने कानों से, खुले कानों से सुन रही है और आंखों से देख रही है, और जिस प्रकार के सदन में वक्तव्य दिए जा रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि वैसी धूमिल कर रहे हैं, ये तो मानते ही नहीं कि कोविड में किसी की मृत्यु हुई है। मानस जी मैं आऊंगी, प्लीज एक एक करके पहले सबसे जवाब ले लूं उसके बाद मैं आऊंगी। ठीक है आशीष कोटाजिया जी, जैसे प्रियंका गांधी आई उसके बाद कहीं ना कहीं रफ्तार मिली है, और आज तो आप लोग का जो एक शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा होने वाला था वो भी कहीं ना कहीं विफल हो गया, तो आज आप लोग शांति मोर्चा निकालने वाले थे, क्या हुआ उसका? आशीष जी आवाज आ रही? शांति मोर्चा को लेकर हमारी चर्चा भी हुई थी कि कुछ निजी कारणों को केंद्र में रखकर होते हुए उनको रद्द कर दिया गया है, किंतु हमारी उत्तर प्रदेश की जनता, उनकी प्रजा को लेकर जो हमारी लड़ाई चल रही है, जो हमारा संघर्ष चल रहा है, वो निरंतर प्रगतिशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी विवेचना कर रही है कि किस तरीके से कैबिनेट का एक्सपांशन किया जाए और नए नेताओं को उसमें स्थान दिया जाए। उद्देश्य केवल एक ही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि जिस तरीके से जातिगत समीकरणों को केंद्र में रखकर
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जाति को बढ़ावा देना और अपनी सरकार और चुनाव को जीतने का जो षड्यंत्र रचा है वो कदापि सफल साबित नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से सक्रिय हुई है और हमारे जो अध्यक्ष है प्रदेश के अजय कुमार लल्लू जी वो पूर्ण तरीके से सक्रिय। आशीष जी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं आप पर आऊंगी और आपसे दोबारा से क्वेश्चन करूंगी, लेकिन सुनील जी मैं आप पर आना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है तो आप सारी राजनीतिक नजर भी रखे होंगे, सारी खबरों पर भी नजर होगी कि किस तरह से इस समय कौन आगे चल रहा है कौन नहीं। हालांकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए काफी बड़ी फौज जो है अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है और आ भी चुकी है, कई लोगों ने पैठ जमाना शुरू भी कर दिया है, तो इस वक्त जो एक सियासी संग्राम मचा हुआ है और सुरीला संग्राम भी आप देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर सबसे बड़ा लड़ाइया बना दिया है, तो क्या लगता है उनके आगे कोई और टिकने वाला नहीं है? जी, ये सत्य है कि योगी आदित्यनाथ को हराने वाला इनमें से कोई नहीं है। 2022 में आप देख लीजिएगा कि भाजपा फिर सत्ता पे आसीन होगी। कारण ये है कि सपा में भी भीतरघात कम नहीं है और जो कभी कांग्रेस किया करती थी कि ए से लेके जेड तक अपने कार्यकर्ताओं साथ मिलना उठना बैठना और जब तक नेटवर्क बनाए रही तब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक सत्ता पे काबिज रही। भाजपा ने वही रुख अपना लिया है कि शासन से लेकर के सत्ता तक ग्रामीण अंचलों तक अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में रह रही है और इसका फायदा आगामी चुनाव में भी मिलेगा। आप अभी विकास की बात कर रही थी जी। आप उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, ठीक, उस पर भी लोग कमेंट करते हैं कि उज्ज्वला योजना से गैस के रेट बढ़ गए हैं। आपने क्या किया विद्युतीकरण को लेकर के, आज गाँव की स्थिति आप देखिए जाके कि लगभग गाँव में विद्युतीकरण हो चुका है, लोगों को लाइट मिल रही है। अब जब लाइट मिलेगी तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम विद्युतीकरण में सरकार ने जो कदम उठाया है वो तो सराहनीय है और हम नहीं, आप गौर कर लीजिए। दूसरी बात आवास, लोगों को आवास किसको मिलते थे कैसे मिलते थे, आज प्रधानमंत्री जी की आवास योजना में आप गांव स्तर पर देख लीजिए जाके कि जो आवासों घोटाला होता था घोटाला नहीं हो रहा है। तो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम किए हैं वो अतसराहनीय है और इसी लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार आई थी और लॉ एंड ऑर्डर पे फिर सरकार आएगी। हमारा इससे मतलब नहीं, हम प्रतिनिधि नहीं भाजपा के, लेकिन जो लोगों को रुझान दिखाई पड़ रहा है, अब अखिलेश जी कह रहे हैं रथ यात्रा के जरिए, हाँ सुनील जी यही मैं बोले जा रही थी, रथ यात्रा के जरिए उन्होंने मुफ्त बिजली, 3 लाख आवास योजना के तहत 3 लाख देने का वादा कर दिया है, छात्रों को उन्होंने लैपटॉप बांटने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है और बहुत कुछ घोषणा पत्र में बुलाने वाले हैं इस बार। देखिए कीर्ति जी, ऐसा है कि पिछली बार भी लैपटॉप बांटे गए लोगों को, किसको मिले कितने मिले ये जग जाहिर है, नियुक्तियां हुई किस वर्ग की हुई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व होना पड़ा नियुक्तियों में और नियुक्तियां नहीं हो पाई। इस बार जो भी हो रहा है वो एक ईमानदारी के साथ हो रहा है कि कम से कम एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, जो भी योग्य व्यक्ति हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और अपना वो सही ढंग से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सही संदेश दिया कि आप गलत करोगे किसके लिए कमाओगे, राष्ट्र पैसा राष्ट्र के ही काम आएगा, इसमें तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि कम से कम भ्रष्टाचार से प्रदेश मुक्त हो, अगर मुक्त नहीं होगा तो ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, देश का विकास कहां से हो पाएगा, ये भी एक ऐसा प्रश्न है। तो कुल आपने जो शुरुआत में ही जो बात बोल दी विवेक जी और आशीष जी, आप लोग ने सुनी ही होगी बहुत अच्छे से, उन्होंने कहा कि आने वाली तो योगी ही सरकार है। विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं, मन से साफ जान रहे हैं क्या क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मैं देखिए ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका हमेशा सम्मान करता हूँ, हमारे अभिभावक स्वरूप है और देखिए हमेशा मैं गलतियों से सीखने का प्रयास करता हूँ और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वर्तमान राजनीति मुद्दों की राजनीति है और जो सरकार या जो पार्टियां मुद्दों पे बात करेंगी और मुद्दों को सार्थकता से जनता के बीच में ले जाने का यथावत प्रयास करेंगी वही सरकार इस बार 2022 में सिंहासन पे आसीन होगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, मैं तो पत्रकार महोदय से हमेशा अनुरोधन करता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी जिन पे लाठीचार्ज हुई, क्या आप उसको संवेदनशील मानते हैं? क्या वो वहां पे कोई ऐसा कृत्य करने गए थे जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी या वहां पे खतरा ऐसा आंशिक खड़ा हो गया था जिसकी वजह से बच्चों पे लाठीचार्ज होनी पड़ी? बिल्कुल इस पर जवाब ले लेंगे, लेकिन उन्होंने एक तरह से आपके मनोबल को तोड़ सा दिया, मनोबल टूटा कि नहीं? अच्छा ये बताइए ना विवेक जी, पहले इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला आने वाली सीएम योगी की ही सरकार है, मनोबल कहां तक डगमगाया? क्योंकि आपने तो ये ला दिया था कि इस बार वंशीधारी कृष्ण आ रहे हैं, उनके वेश में अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक मानसिकता से प्रेरित है, वो उसका समर्थक हो सकता है इसमें कोई बात नहीं है, मानसिक विभेद हो सकते हैं इसमें कोई बात नहीं है। अगर सर को लग रहा है कि भाजपा आ रही है तो सर अपने मानसिक समर्थन के हिसाब से, अपने मानसिक अभिव्यक्ति के हिसाब से 2022 में
फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इस चैनल पे। सर मेरी आपकी 2022 में आजीवन मुलाकात रहेगी। इसी मुद्दे पे फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी, क्योंकि हमें नहीं सपा कोई नफरत नहीं है, भाजपा से हमें प्यार है। नहीं लेकिन जो जहां तक मैं आप पे सवाल ही नहीं उठा रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक मत होता है, अगर वो उसके लिए कह रहे हैं तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनका व्यक्तिगत विषय है, मुझे इस पे कोई गुरेज क्यों होगा कि इन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन विवेक जी ये समझिए ना, कितनी पार्टियां हैं और किस तरह से आगाज कर चुकी है वो उत्तर प्रदेश में आने का। अब आप बड़ी पार्टियों के साथ तो चुनाव लड़के स्वाद चख ही चुके हैं और सीएम अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अब वो नहीं लड़ेंगे, तो छोटी पार्टियों के सहारे आप कहां तक जा पाएंगे? देखिए स्वाद तो भाजपा भी कई राज्यों में चख चुकी है पार्टियों के साथ गठबंधन करके, ये तो एक राजनीतिक शिष्टाचार का विषय होता है कि हर राजनीतिक दल गठबंधन के लिए स्वतंत्र होता है, रणनीतियां बनाता है और चुनावों में मुद्दों को लेकर के जाता है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आज 2800 ग्रेड पे आप ही ने खबर चलाई है। देखिए उत्तर प्रदेश में विवेक जी मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे और ये तो सुनील जी भी मानेंगे, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप मुद्दों को किस प्रमुखता से रखते हैं, क्योंकि लगातार ये बोला जाता है कि विपक्ष ट्विटर पे है, हालांकि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री के आने के बाद तुरंत सब एक्टिव हो गए और किस तरह से लगातार आप लोग की भी रथ यात्रा शुरू हो गई, आंदोलन भी किया आपने, फिर प्रियंका गांधी का भी आगमन हुआ, तो लगातार फिर सरगर्मियां बढ़ी गई हैं और जरूरत आपको महसूस हो गई है। चुनाव चुनाव कीर्ति जी, चुनाव जब भी आते हैं तो ये तो हर राजनीतिक दल का धर्म है कि वो अपनी प्रचार प्रसार करेगा। दिलीप भैया भी कई बार आते हैं, उनसे मैं सीखता हूँ, तो ये बात सत्य है, सर्वविदित है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि क्या पत्रकार महोदय से ही मैं पूछ लेता हूँ, चलिए भाजपा के बैठे हैं, जो स्टेटमेंट कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, क्या इस स्टेटमेंट को कम से कम लोग स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? अगर निष्पक्ष रूप से निष्पक्षता की बात की जाए तो क्या वाकई इस स्टेटमेंट को ऑफिशियल रूप से जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये इस सदन में कहा जाना चाहिए था? और भाजपा बड़ी जिम्मेदारी से इस पे अभी भी अपना स्टैंड कायम करके खड़ी है। देखिए तो मैं तो कहता हूँ जो मृतक हुए, मृतक परिवारों के लोगों को यही बुला करके पार्लियामेंट में बुलवा दीजिए उनके मुंह से कि हम मैं आपकी इस बात खुला समर्थन करता हूँ कि ऑक्सीजन से मौतें उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हुई। बिल्कुल वो अलग बात कि संसद में जाकर के सांसद महोदय अपने बचाव में रख रहे हो कि ऐसी मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों ने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया, सच्चाई है वो सच्चाई है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग बहुत मरे। विवेक जी तस्वीरें, माफ कीजिएगा मैं मुद्दे को नहीं भटकूंगी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये आप बोल लीजिए या ये जनता को चुनना है कि वो मुद्दों पर इस बार सरकार को लाती है या फिर इस तरह के तर्कों पर। देखिए विवेक जी, ऑक्सीजन की बात आपकी सही है, दूसरी बात सरकार महंगाई के मामले पे निश्चित रूप से फेल है, क्योंकि महंगाई जितना चरम सीमा पहुंची इससे पूरा प्रदेश परेशान है। मैं तो हाथ जोड़ उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, कम से कम महंगाई पे लोगों को देख लीजिए, 200 में तेल बिक रहा है, लोगों घर में थाली में क्या दिक्कत पैदा हो रही है। इसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे? नहीं आएंगे, देखिए कुछ कारण ऐसे है ना कि लोग अब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आएंगे, तेल 300 में बिके कोई बात नहीं है। लोगों का जो रुझान है इस देश में वो भाजपा की तरफ ही है, लेकिन ये मुद्दे कम से कम आप उठाने चाहिए विवेक जी, कि महंगाई मार डीजल किसान कितना परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। विवेक जी पहले बोल चुके हैं जब चुनाव आता है तब हम लोग एक्टिव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 24/7 जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का कार्य करती है और उस पर काम करने का काम करती है। आप उठाएंगे, आप लोग बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय जब बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जनता को लॉलीपॉप थमाने का काम करते हैं। जनता ने इसीलिए आपको 2017 में उत्तर प्रदेश से निकाल फेंकने का काम किया है। ठीक है आशीष जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से सुनील जी ने बोला कि आने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही आने वाले हैं और सबसे बड़ा लड़ैया भी उन्हें बता दिया है, सामने कोई नजर नहीं आ रहा है, एक्सीडेंटल हिंदू बताएंगे ये? देखिए ये उनका आकलन हो सकता है, और जिस तरीके से द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व आए बीजेपी का एजेंडा रहा है सिंस 1925 से, ये इस बार पूर्णतर रूप से असफल साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाली की स्थिति है। एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा, मैंने आपके डिबेट में आपसे किया था तो आपको सुनना पड़ेगा, आप सच सुनने का साहस रखिए यदि झूठ बोलने का साहस रखते हैं तो। नंबर दो पर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आज अपराध प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाली की स्थिति है, गरीबी बेरोजगारी महंगाई और जिस तरीके से माफियाओं का शासन है वो अपने चरम स्तर पर है, इसको नियंत्रण में लाने में योगी सरकार पूर्ण तरीके से असफल साबित हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज हो या फिर
रिलीजियस माइनोरिटीज हो उन सब पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में योगी सरकार पूर्ण तरीके से सफल साबित हुई है। ये जो आप बता रहे हैं ये सबकी नजर में है और हर इंसान देख रहा है, और मैं ये अपील भी करती हूँ जनता से कि उन्होंने जो मुसीबतें झेली हैं, जिस तरह की उनकी मांगे थी, अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसके आधार पर ही वोटिंग की जाए। लेकिन आशीष जी, आप कहाँ स्टैंड करती है, आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि हम लगातार ये चीज देखते हैं और ये लगातार पूछते भी आए हैं कि प्रियंका गांधी का आगमन बहुत जोशीला रहता है, जोश भर देता है कार्यकर्ताओं में, कुछ दिन तक दिखता भी है कि हाँ जोश है, लेकिन उनके जाते ही वो जोश खत्म सा होने लग जाता है। साथ ही साथ जिस तरह से हम ये भी देखते आ रहे हैं कि लगातार प्रियंका गांधी आती हैं और फिर चली जाती हैं, उसके बाद की क्या स्थिति रहती है? देखिए, उसके पश्चात भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी वो पूर्ण तरीके से सक्रिय है। आपने देखा होगा अभी आज ही के दिन जब पेगासस को लेकर राहुल गांधी जी के फोन टैपिंग की बात आई और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रदेश अध्यक्ष ने आंदोलन करने का प्रयास किया तो योगी जी की सरकार ने उनके निवास स्थान पर पुलिस भेज दी। इतनी ये सरकार डरती क्यों है? क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और हम सेक्युलर है, भाजपा की तरह हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मानस जी से हम इसका जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, क्यों मानस जी क्यों, मतलब शांति मार्च करने वाले थे आज कांग्रेसी, आप लोग ने उनको हाउस अरेस्ट करा दिया। स्मृति जी, हिंदुत्व का विषय डिबेट में लाया किसने? कीर्ति जी, हिंदुत्व का विषय इस डिबेट में लाया कौन, ये बताइए। देखिए, हिंदुत्व पहले नहीं, मुझे ये बताइए, आज शांति पूर्ण तरीके से वो मार्च करने वाले थे, हाउस अरेस्ट करवा दिया गया क्यों? अरे ये तो पता है, हाउस अरेस्ट क्यों करवा दिया आज आपने? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, कोई संवेदनहीन जगह है, बगल में कचहरी है, वहां कुछ भी हो सकता है, और ये लोग जो एक छोटे से प्रायोजिक तरीके को राजनीतिक अमली जामा पहनाने का काम करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मानस जी, आप ये तो देखेंगे ना कि बेरोजगारी विपक्ष में रहे हैं, दर कितनी बढ़ रही है, महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है और किस कदर लोग बेहाल हैं, कोरोना की मार झेल रहे हैं, ये आपको पता है कि हाँ, आप कहीं अंतर खाने कितने लोगों ने ये अर्जी डाली थी कि भैया स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह के बयान, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी लगी रही है, उस तरह की शाबाशी मिल रही है। ये तो हम लोगों के अंदर एक कैडर बेस्ड पार्टी, इसलिए हम लोग जवाब यहाँ अपने सवाल रख सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा पॉसिबल है? क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा पॉसिबल है कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं इनका कोई नेता सवाल कर ले? लेकिन सत्ता समीकरण, संगठन के बीच जो समीकरण बिठाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो कहां, किस हद तक अभी बहुत अच्छा कारगर जा रही है? समन्वय बहुत अच्छा है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, निरंतर मिलजुल के काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचे और एकात्म मानववाद के मंत्र विवेक को जी आपकी बातों पर लगातार हंस रहे हैं। विवेक जी, मैं इस हंसी के पीछे जानना चाहूंगी, लेकिन सुनिए, विवेक जी के लिए एक पंक्ति की गूंगे सिखा रहे हैं, मुंह कितना खोला जाए। ठीक है विवेक जी, मैं आप पर आऊंगी और इस चीज का जवाब लूंगी। सुनील जी, क्या लगता है, आपने बोला तो कि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, ये किस लिए बोला है, ये मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या जनता के पास कोई और रह ही नहीं गया चुनने के लिए, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी हम अखिलेश यादव को भी देख रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उनके जो दाव होते हैं वो भी कमजोर नहीं होते, तो कम आंकना अखिलेश यादव को, ये भी कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना। देखिए कीर्ति जी, जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि भाजपा जो हिंदुत्व पे काम कर रही है, मैं एक सवाल ये करूंगा आपसे, ये बता दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी ये कहा है कि हम हिंदुओं के लिए काम करें, मुसलमानों के काम कर रहे हैं? उन्होंने हमेशा कहा सबका विकास सबका साथ। आज जो सुविधाएं हिंदुओं को मिल रही हैं वो क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिल रही, आप बताइए। तो हिंदुत्व की राजनीति करना, कांग्रेस क्या हिंदुत्व राज नहीं करती थी, आप बताइए हमको। देखिए, सत्ता पाने के लिए तो आदमी 19-20 हर राजनीतिक दल करता है, न करे तो सत्ता में कैसे काबिज हो। लेकिन रही हिंदुत्व की बात, तो अगर हिंदुत्व की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं तो क्या मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे? उन्होंने जो आवास दिए, उज्ज्वला योजना में जो चीजें उपलब्ध, गैस उपलब्ध कराई, क्या वो हिंदुओं को ही थी, मुसलमान भाइयों को नहीं थी क्या? सुनील जी, दिक्कत तो यही है ना कि जाति जब नहीं हो जाती, भाजपा अगर कुछ करती है तो हिंदुओं के लिए कर रही, मुसलमानों नहीं कर रही। अरे मुस्लिम भाई भी तो देख रहे हैं क्या सुविधाएं उनको मिल रही है, कौन सुविधा ऐसी जो हिंदुओं को मिल रही हो मुसलमानों को ना मिल रही हो। तो हिंदू मुस्लिम की बात न कीजिए, आप देश की बात कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए, और आप कीजिए कि भाजपा से ज्यादा सभी वर्ग के लिए आप करें। कीर्ति जी, जितना भाजपा कर रही उससे ज्यादा हिंदुओं के लिए करें, मुसलमानों के लिए करें कम से कम, और इस देश के लिए करें।
क्योंकि देश सबसे पहले है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान अन्य लोग हैं। बिल्कुल जरूरी बन, सुनिए जी, जरूरी बन जाता है कि देश के लिए ही काम किया जाए, और जो विकास की बातें होती है वो विकास ये होता है कि महंगाई दर कम की जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए, ये होता है विकास। मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे बना देना विकास नहीं होता है, ये मेरी पर्सनल राय है। जी सुनील जी की बात को मैं जोड़ता हूँ, और ये एक बहुत व्यवस्था का एक समय है कि आज जब हम लोग 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में विपक्षी जातवाद फैला रहे हैं, धर्मवाद फैला रहे हैं, जबकि मूल मंत्र होना चाहिए विकास, डेवलपमेंट, शिक्षा, सुरक्षा। मंत्रिमंडल विस्तार में आप यही सब चीजें रखेंगे जी? लोगों को काम के आधार पर आप मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करने वाले हैं, फिर ये मान के चले हम? मंत्रिमंडल विस्तार होने क्या वाला है ये तो मैं आप ही लोग के माध्यम से जान रहा हूँ, ये तो मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है। आपके पार्टी के इतने लोकतंत्र आप लोग हो गए, एक शब्द तक आप लोगों तक ये जानकारी आती नहीं है, फिर माना जी मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, जब वो चाहेंगे हो जाएगा। विवेकाधिकार है, ये तो प्रोपेगेंडा जो बनाया तो आप तक आती होगी मंत्रिमंडल का विस्तार करने से होता है क्या? 6 महीने बचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एक चेहरा, जब तक वो सत्ता में आएंगे समझें काम, तब तक चुनाव नजदीक सामने आ गया है। तो यही है, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरा तो मायने रख रहा है ना। कहां हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, कब हो गया? चलिए ठीक है, ये तो आप भी समय वक्त ही बताएगा कि कब हो गया और कैसे हो गया। हालांकि ये मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया। विवेक जी बढ़िया बताएं, सरकार का विस्तार हो रहा है कि नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतने मस्त नजर आ रहे हैं विवेक जी, तो कम से विवेक जी बताइए क्या हो रहा है भाजपा में, आप भी पक्ष में बैठे हैं। देखिए मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर अपने प्रवक्ता महोदय से यही, इतनी देर से मुझे हंसी बस इस बात पे आ रही थी कि मैंने अभी एक ओपनिंग स्टेटमेंट ही कहा था कि काम बोलता तो इतना छवि सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रचार प्रसार पे हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, जितने एमओयू साइन कराए थे मुझे कोई उद्योग यूपी में अभी तक दिखाई नहीं दिया। उसके साथ ही हिंदुत्व की बात करने वाले जरूर दिखा रहा है। सुन लीजिए, मैंने बीच में टोका नहीं है, सुन तो लीजिए। आपने तो ब्लैक लिस्टेड फर्म से दोबारा पीपीई किट और दोबारा इक्विपमेंट्स खरीद लिए, सब छोड़ दीजिए। आप आंकड़ों पे आएंगे तो मैं आपको इतने आंकड़े दे दूंगा, पत्रकार महोदय भी इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने दोबारा वही गलतियां दोहराने की आपको आदत है तो वो प्रवृत्ति आपकी नहीं जाएगी। और हिंदुओं की बात आप करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हिंदुत्व की दुर्गति भी हम लोग तो विश्वास की बात करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी पे। आप भी करिए ना बात हिंदुत्व की, विश्वास क्या कॉपी राइट है क्या? आप इतना विश्वास सबका चाहते हैं कि आप सबकी चुपचाप जासूसी करवाते हैं, और उसके बाद उस पर आप अपने स्टैंड भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, जांच से पीछे भागते हैं। फ्रांस जैसी जो कंट्री है, फ्रांस जैसा देश जांच के आदेश देता है, और हमारे देश में 56 इंच की बात होती है, लेकिन वो 56 इंच उस समय नहीं दिखाई देता जब भारत की छवि धूमिल हो रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। बहरहाल मुद्दे यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में हमारी सरकार ईवीएम से बैलेट पेपर से ईवीएम पे आ गई, सनातन परंपरा राजनीति में आ गई, सिंहासन पर बैठ के मेरी बात पूरी हो जाए। सुन लीजिए, मेरा एक निवेदन है, मानव जी आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, चलिए ठीक है, मैं आपको एक सुझाव के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इस विषय पे 2800 ग्रेड पे की मांग पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की चल रही है, 2 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं, ट्रेंड चल रहा है 4th नंबर पे, चलिए मांग पूरी करवा दीजिए। मांग तो आपके समय से चल रही थी, जनहित की बात है। अरे मांग तो दूसरे के सर पर डालना कब बंद करेंगे? ना होना, लेकिन ये पुलिस बेरी थोड़ी है, विराजमान हो रहा है, भरोसा किस पे है ना विवेक जी? जरूरत है भरोसा पैदा करिए जनता के बीच जाके, उनकी छवि धूमिल करने से बेहतर है कि आप अपनी छवि को मजबूत करिए। माध्यम से सुन लीजिए कीर्ति, जवाब ले लीजिए, आपके मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर ये भरोसा नहीं होता तो ये मुहिम आज इतनी सार्थक नहीं होती कि 6th नंबर पे हम ट्रेंड कर रहे हैं। और इनकी मैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप 6th नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक और ये जो समीकरण राजनीतिक बता रहे हैं ना, वो कुछ और बता रहे विवेक जी। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मुद्दों की बात करते हैं तो चलिए ठीक है, इस ग्रेड पे की मांग को स्वीकार कर लीजिए ना। ठीक है, हजारों करोड़ चंदे में खर्च करेंगे, प्रचार में प्रसार में खर्च करेंगे। आशीष जी मैं आप पर आना चाहती हूँ। ठीक है विवेक जी, मैं आशीष जी पे जाना चाहती हूँ। आशीष जी, पहले अजय कुमार लल्लू अलायंस के लिए मना कर रहे थे, उसके बाद प्रियंका गांधी आती है और वो खुले तौर पर बोल के जाती है कि जरूरत पड़ेगी तो अलायंस हम कर भी लेंगे, गठबंधन के लिए हम पीछे नहीं हट रहे, दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या अभी किसी से बात चल रही है गठबंधन को लेकर? क्या इस पर कोई मोहर लग सकती है, कोई नया चेहरा आप उत्तर प्रदेश में उतार सकते हैं, कुछ ऐसा मंथन चल रहा है? आशीष जी आवाज आ रही? ठीक है सुनील जी, आप कुछ बोल रहे थे। विवेक जी, अगर आप सरकार आएगी क्या समान शिक्षा पे आप कोई काम करेंगे?
मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सरकार आने दीजिए। नहीं नहीं आप कह रहे हैं सरकार आने दीजिए, आपने आशीर्वाद दे दिया। देख लीजिए अगर सरकार आती है। समान शिक्षा पे विवेक जी हमने काफी लिखा पढ़ी की, अखबार से लेकर के चिट्ठियां तक भेजी, और एक बार माननीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में भी कहा एज चीफ मिनिस्टर कि आप उत्तर प्रदेश में कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, तो क्या आप जो है समान शिक्षा लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में अगर आप सरकार आती है तो, या समान शिक्षा को लेकर के कोई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपने आपने एक विषय मुझे और दे दिया जी। चलिए ये तो मैं मान गया कि कम से कम भाजपा ने लागू नहीं किया, तो मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक और मुद्दा मुझे देने के लिए, जब तक समान शिक्षा लागू नहीं करेंगे तब तक शिक्षा में समानता का स्तर सदैव बना रहेगा। नहीं नहीं धन्यवाद हालांकि मुझे लगता नहीं, बातें बड़ी बड़ी होती है चुनाव से पहले, हालांकि देखते भी हम, घोषणा पत्र भी आता है, भाजपा का भी आया था, उसमें कितना स्तर तक पहुंची है वो भी आपको पता ही होगा सुनील जी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पांच साल में आप क्या रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं वो भी जरूरी हो जा रहा है। आशीष जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है आशीष जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है मानस जी बोलिए। जो आपने घोषणा पत्र दिया था उसमें बहुत सारी चीजें कही थी, एक आप ही की पार्टी थी जब 70 रुपए पेट्रोल था तब भी आपने ये बोला कि नहीं पेट्रोल के दाम महंगे, तो आज आपको पेट्रोल के दाम महंगे नहीं लग रहे, आज आपको बेरोजगारी नहीं लग रही है, आज आपको महंगाई नहीं लग रही है, आपको जरूरत नहीं लग रही है कि हमें जनता के बारे में भी सोचना जरूरी है? देखिए उसको स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई दबापना नहीं है। विवेक जी हंस लीजिए, जितना हंसना हो हंस लीजिए, जनता जवाब देगी। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आप भी हंसिए, हम कहा हम आपको हंसी लीजिए, अब आपको बुरा लग रहा है मेरी हंसने से? नहीं बहुत हंसी और हंसी अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप जी, अरे मैं तो कह रहा हूँ आप भी मुस्कुराइए सर कि आप उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश आप छोड़ के गए हैं, मैं जवाब दे दे रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश आप लोग 2017 में छोड़ के गए थे उसके बाद की स्थिति जो आज उत्तर प्रदेश की है, बिल्कुल हम लोग मुस्कुराएंगे और गर्व करेंगे, ये गौरवान्वित करने वाला। मैं जानना चाहूंगी आज आपकी जो मुस्कुराहट है उसके पीछे की रणनीति क्या है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आज आपकी मुस्कुराहटें कुछ अलग ही इशारा कर रही हैं। दिल्ली वाली योजना लाके लखनऊ चलाएंगे, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई सरकार नहीं है, आज विवेक जी का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। कीर्ति जवाब दें, इस बात का जवाब आपसे जोड़ लूं मैं अपने आप को कि उत्तर प्रदेश से जिसका कोई सरोकार नहीं है इसका मैं जवाब दूंगा, साथ रख के आके फ्री बिजली बांटेंगे। ठीक है मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है फ्री बिजली पर आएंगे। आशीष जी आपको आवाज आ रही है? नहीं नहीं मैं इसका जवाब देंगे। ठीक है एक मिनट, मैं आशीष जी से ले लूं, बहुत देर से उनका नेटवर्क नहीं आ पा रहा था, तो उनसे एक सवाल। विवेक जी प्लीज एक सेकंड, मैं आशीष जी से बिजली बांटी है, मैं आशीष जी से एक सवाल ले लूं उसके बाद मैं आप पर आती हूं। आशीष जी लगातार हर जगह जाते हैं ना, मानस जी प्लीज। आशीष जी, अजय कुमार लल्लू ने पहले अलायंस के लिए मना कर दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी है, उन्होंने खुले तौर पर ये बोला कि हम अलायंस करने के लिए तैयार है, अगर कोई पार्टी आती है सामने से तो गठबंधन करेंगे, हालांकि वो सपा के साथ गठबंधन करके देख चुकी है और सपा लगातार कह रही है कि हम छोटे दलों के साथ जाएंगे, तो आपके गठबंधन के लिए कौन सी पार्टी रह जाती है और क्या भी किसी से ऐसी चर्चा चल रही है गठबंधन को लेकर? देखिए गठबंधन को लेकर आपने प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर प्रत्यक्ष तौर पर यही होगा कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दिल्ली मुख्यालय से किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणा नहीं होगी, पर गठबंधन पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान शासित सरकार है और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं तौर पर सूचित कर रहा है कि सारे जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी बीजेपी, इन लोगों में कहीं भय का माहौल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इतनी सक्रिय हुई ही और जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है धरातल पर, वो कहीं ना कहीं रूप से दर्शा रहा है। और जहां तक गठबंधन की बात है तो औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी, चाहे वो अजय कुमार लल्लू जी का बयान हो और प्रियंका गांधी जी की बात हो। लेकिन आशीष जी आप ये तो मानेंगे ना, ये जो सपोर्ट की आप बात करते हैं कि हमें प्यार मिल रहा है, ये प्यार वोटों के टाइम पे कहाँ चला जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखिए ये देखिए ये लोगों का जनादेश होता है और उसको हम कदापि अस्वीकार नहीं करते, और यदि हमें करारी जीत मिले तो हमने स्वीकार किया और हमने इसका इंट्रोस्पेक्शन किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसका परिणाम भी मिलेगा। देखिए ना आशीष जी, यही तो मैं कह रही हूँ, आप अपनी छवि को और मजबूत करिए, जरूरत इस वक्त अपनी छवि को मजबूत, अपनी पैठ जमाने की है, ये मेरी हिदायत है। जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, 1987 के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार कभी नहीं आई,
आप हर बार हार का एहसास करते रहे, लेकिन आपने ये एहसास क्यों नहीं किया किन कारणों से उत्तर प्रदेश से हमारी सरकार चली गई और लौट के आज 25-30 साल हो रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। कब तक उन कमियों का आप आकलन करते रहेंगे ये बताइए हमको प्रवक्ता महोदय। देखिए निरंतर हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का आकलन होता है। देखिए आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आई, 87 बाद से आप बताइए सरकार आपकी आई, उससे पहले मैंने कह सकता हूँ 87 के बाद से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई। आकलन तो करिए कि आपकी कहाँ कमियां रह रही हैं। 25-30 सालों में आप एकदम किनारे हो गए। क्यों किनारे हो गए? हमारे 30 वर्ष के अतीत में जाने के स्थान पर अपने वर्ष 2022 के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करिए। आपकी सरकार वहाँ जा रही है, मैं आपको बार बार सूचित कर रहा हूँ। हमारी खामियां देखते देखते कांग्रेस कहां पहुंच गई जो एक सत्ताधारी दल था। आशीष जी ये हिदायत है आपके लिए सुनील जी की तरफ से, ये हिदायत दी जा रही है कि अपनी जमीन को तलाश लीजिए, अपनी जमीन को तलाशिए। आप लोग जो एक भ्रम में शायद तक जी रहे हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वो भ्रम मिटाने के साथ साथ अपनी जमीन को तलाशिए। जो 2 सीटें मिलती थी उसमें से भी एक गवा चुके हैं आप। देखिए ये तो सबका निजी आकलन हो सकता है, वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव निजी आकलन नहीं आशीष जी, तो रिजल्ट बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं, निजी आकलन कैसे हो गया? ये चुनावी विश्लेषणकर्ताओं का स्वयं का आकलन होता है। मैं आपको पुनः आपको सूचित कर रहा हूँ कि 22 का चुनाव जो होगा उसका परिणाम प्रत्यक्ष तौर पर आपको उत्तर देगा कि जो आकलन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव में घोषणा पत्र में क्या आप भी मुफ्त बिजली का ही नारा आप भी लेंगे, क्योंकि लगातार अब तो सपा ने भी ये नारा दे दिया है कि मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली से नारा चला मुफ्त बिजली का, देखिए भारत कोने कोने तक पहुंचेगा नारा। उस दिल्ली से उस लोगों से चला है जिनका उत्तर प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। आशीष जी देखिए हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरह मुफ्त की राजनीति नहीं करते। हमारा उद्देश्य यही होगा, हमारा मैनिफेस्टो भी अभी मीटिंग चल रही है दिल्ली में, उसका भी यही निर्धारित किया जा रहा है कि किस तरीके से वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। गठबंधन पे आपने शायद तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन आशीष जी गठबंधन पे आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। गठबंधन पे कहा किसी से नीति चल रही है, अभी किसी से बात चल रही है? प्रत्यक्ष तौर पर आपको इसका उत्तर दे दिया कि यदि गठबंधन होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 अक्टूबर रोड से औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। बिल्कुल औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी कोई बात चल रही है, ऐसा कोई मंथन चल रहा है किसी के साथ? क्योंकि बहुत लोगों के साथ मुलाकातों का दौर जारी है आपके अंदर खाने भी। देखिए ये गठबंधन जी भी कर रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तो सभी दलों में ये चलता है, किंतु जब औपचारिक तौर पर घोषणा होती है तब उनको स्वीकार करना सभी के लिए यथोचित होगा। ठीक है बिल्कुल जरूरी होगा, ये हम घोषणा का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी तो माना जी भी कह रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है। हालांकि हम भी देखेंगे मंत्रिमंडल विस्तार होता है नहीं होता है, जितिन प्रसाद को मैंने ये नहीं बोला होने नहीं वाला है, मैंने ये बोला अभी नहीं हुआ है। अभी आपने मानस यही बोला था, और ये मुख्यमंत्री जी के नहीं, आप अब अपने बयानों को बदलिए। आपने बोला कि ऐसा तो हमारे पास अधिकार है, कीर्ति जी मैंने ये मैंने बोला अधिकार है, लेकिन होने वाला है कि नहीं, अच्छा ये स्पष्ट कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी स्वयं तय करेंगे, लेकिन आप बताइए ना अंदर अभी चल क्या रहा है, ये संगठन का विषय है। स्वतंत्र देव सिंह का दिल्ली जाना क्या मायने थे? अच्छा भाई देखिए बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूँ, चुनावी समय है, बैठके होना, केंद्र और प्रदेश से समन्वय होना, चुनावी समय है, इसीलिए तो बैठ के होने के पीछे कोई ना कोई कारण तो आ ही जाता है ना मानस जी। रणनीति होती है कोई ना कोई, तो वो रणनीति ये इसे आप ये कैसे फाइनल कर क्या रणनीति ऐसे बनाई गई और आप लोग को ला के दी गई है, कौन सी रणनीति है वो? रणनीति खाली एक है, सेवा की नीति है वो, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचे, गांव गरीब किसान मजदूर तक पहुंचे, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को करनी है जी। तो आप लोग मतलब गांव-गांव जाके, और सपा ने भी ऐलान कर दिया कि गांव-गांव चलो भैया, सपा तो बरसाती मेंढक की तरह तैयार रही है। हंसी की रणनीति बता दीजिए, अच्छा अब आप यही स्पष्ट कर दीजिए कौन से ऐसा कॉन्फिडेंस आज आपके अंदर बढ़ गया है ये सुनने के बावजूद कि सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। नहीं नहीं मानव जी को थोड़ा सा राजनीतिक शिष्टाचार सीखना चाहिए, ये मेंढक और ये सब अशोभनीय शब्दों का राजनीतिक शिष्टाचार होना सिखाए जो अंडरगार्मेंट्स बताते थे, राजनीतिक शिष्टाचार होना बताए। सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो इतनी देर शांत बैठा था, मैं तो सुन रहा था ना, तो आप जो शिष्टाचार बता रहे मैंने उसका प्रति उत्तर था ये। नहीं तो आप सुनते जाइए ना, सुन लीजिए, बोलिए आराम से चले गए
आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली लेके आसाम चले गए देने, उसी तरह हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? भाई आम आदमी दे रहे हैं आप, विवेक जी कितनी यूनिट दे रहे हैं ये तो बता दीजिए आप। आम कोई एजेंडा नहीं है, भारत का ही राजनीतिक दल है ना, कोई बाहरी ताकत तो है। कितनी यूनिट उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं फ्री में आप? 300 तो दे दिए आपने, आप कितना दे रहे हो ये बताइए। और जो मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार हुआ था दिल्ली में, क्या वो भी ले आएंगे क्या? ठीक है, एक मिनट में जवाब दे लेती हूं जी, प्लीज। सीटों की घोषणा, जैसे ही हमारा उनके साथ अगर हम दोनों साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सीटों की घोषणा बहुत जल्द आपके सामने कर, मतलब विवेक जी आपने ये मान लिया है कि अब आप आपके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? मैंने कहा कि गठबंधन, अभी आपने बोला सीटों का बंटवारे तक पहुंच गया, तैयारी कोई ना कोई तो रणनीति बन गई है। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी दल आपके साथ गठबंधन में आएगा उसको सीटें तो देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल देनी पड़ेगी, तो मतलब आप गठबंधन कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए मुफ्त बिजली का नारा बनते हैं, हम आपको बता देंगे। मैं तो कह रहा हूँ हम इनके साथ क्या समीकरण बनते हैं, कितने सीटों पे बात होती है अगर होती है। लेकिन इससे पहले आपने, इससे पहले बसपा और कांग्रेस को भी सीटें दी थी आपने, क्या हुआ था रिजल्ट? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भाजपा भी कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में रही, अनुभव अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इस तरह के जो वैकल्पिक प्रक्रियाओं में आकर के लोग एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल तरीके से चलते हैं, ये चलता रहता है, इसमें आप कभी किसी एक राजनीतिक दल को कटाक्ष नहीं कर सकती। भाजपा का भी कई राजनीतिक दलों से गठबंधन हुआ, भाजपा का तो उनसे भी गठबंधन हुआ जो कि देश विरोधी कहे जाते हैं। गठबंधन तो हर जगह एनडीए का भी है, यूपीए का भी है, लेकिन आपकी पार्टी तो समर्पित नजर आती है जब भी हमने देखा है, चाहे वो बसपा के साथ चुनाव हुए हो या फिर कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे कांग्रेस, हाँ मैं आपको जवाब दे दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे कांग्रेस के भी मित्र बैठ करके भी बता रहे थे। मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि आपके छत्तीसगढ़ में जिस तरह आज यूपी पुलिस के परिवार ट्रेंड कर रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ में 77,000 पुलिस परिवार है कम से कम, वो अशांत है और उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से अविधि पूर्ण तरीके से उसको संचालित किया जा रहा है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। पहले यूपी तो आप लड़ लेंगे, यूपी तो आप तब लड़ेंगे जब आप अपने शासित राज्यों में सुधार कर लेंगे, तो मैं तो सुझाव देता रहता हूं, लेकिन अब हमारे मित्र जी आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ना। विवेक जी समर्पित क्यों हो जाते हैं अब आप, आपके साथ भी गठबंधन करेंगे तो सीटों का बंटवारा, आप सीटें उनको आसानी से दे देंगे, यहां ले जाइए, क्या आपके अंदर इतनी मजबूती नहीं कि आप अकेले दम पर चुनाव लड़े? नहीं नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे दूं, देखिए हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष का विकल्प है, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार सभी कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। गांव में किसी ने अभी क्या कहा था, बरसाती मेढक, तो मेढक कौन हुआ जो कि पहली बार गांव में चुनाव लड़ने आया, इतने साल की बड़ी राजनीतिक दल और पहली बार इन्होंने पंचायत चुनाव लड़े, तो गांव में राजनीतिक मेढक कौन साबित हुआ? तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पहले से अपना एक जनाधार है, हम युवाओं के किसानों के मुद्दों पे बराबर खड़े रहते हैं, लड़ते हैं। जनाधार है तो आपको क्या जरूरत थी पिछले दो चुनावों में गठबंधन करने की? नहीं, पिछले दो चुनाव में गठबंधन, देखिए अवसर देना, अगर कोई समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ करके इस प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे जल्दी विचारधारा। हमने कभी कभी, ये तो राजनीतिक शिष्टाचार का विषय है, आज भाजपा भी स्वागत करेगी अगर उसको कोई राजनीतिक दल समर्थन देना चाहेगा। लेकिन ये भी तो देखिए विवेक जी, हर्ष क्या हुआ गठबंधन का, उसके बाद आपको क्या बोला था मायावती ने, अखिलेश यादव को क्या बोला था? वो देखिए वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो लोकतंत्र की आवाज है, वो लोकतंत्र का अपना जो आचरण है उसके अनुसार जो भी रिजल्ट आता है उसको हर राजनीतिक दल स्वीकार करता है, हमने उस पर कभी कोई कटाक्ष नहीं किया। हम तो कह रहे हैं ना कि गठबंधन तो ये तो राजनीतिक समीकरण का एक हिस्सा है और हर राजनीतिक दल करता है, भाजपा वाले इस पे कैसे कटाक्ष कर सकते हैं, वो तो खुद ही 44-48 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन में चलते हैं हमेशा। तो ये सब देखिए, ये सब राजनीतिक शिष्टाचार की बातें हैं, मुझे लगता है अपरिपक्व राजनीति का परिचय इस पे नहीं देना चाहिए। नहीं बिल्कुल राजनीतिक शिष्टाचार है, लेकिन अभी आपने जनाधार की बात करी तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्या अकेले जनाधार नहीं है आपका जो आपको गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है? अब आप आपके साथ हमारा जनाधार है, उनका आप मॉडल यूपी मिलाने की कोशिश कर रहे, खुद की मॉडल नहीं ला रहे, कोई ऐसा किसान और युवा आज भी अशांत है और इस प्रदेश के विकास की गति में आज पहला मुख्यमंत्री भी ऐसा है 70 साल में जो युवाओं को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। ये बताइए ना, आपकी सरकार में युवा कितना खुश था? नहीं, हमारी सरकार में तो देखिए, हमारी तो दी हुई भर्तियों पे भी इन्होंने रोक लगा दी। 2011 की दरोगा भर्ती आपको याद होगी, जांच होने के बाद 2011 दरोगा भर्ती में जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रहे थे वो भूल गए? नहीं नहीं, आपके शिक्षा मंत्री जो कर रहे थे उस पे आप कुछ कहेंगे? आपके अपने पदाधिकारियों के अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, विवेक जी 2011 दरोगा भर्ती के आज भी अभ्यर्थी इंतजारी कर रहे हैं। बहुत जी, मानस जी प्लीज, 2011 दरोगा भर्ती में चुनौती दे सकता हूँ, प्रमाण के साथ साबित कर सकता हूँ, अगर आपकी क्षमता हो चलिए कार्रवाई करिए आपके पदाधिकारी पार्टी के। विवेक जी पहले आप मेरा जवाब दीजिए, विवेक जी प्लीज, 2011 की दरोगा भर्ती आज भी इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी इसको लेकर? नहीं, 2011 की दरोगा भर्ती हमारी वजह से नहीं अटकी है कीर्ति जी,
वो कोर्ट के माध्यम से जब सुन लीजिए हमारी वजह से नहीं अटकी है, जब कोर्ट की प्रक्रिया डिले की गई है और जिस तरीके से सरकार को पैरवी कर दी थी, जब सरकार पैरवी नहीं करेगी तो उसमें आप समाजवादी पार्टी को क्यों दोष देंगी? 12,460 जो भर्तियां, लेकिन भर्ती के खिलाफ तो सरकार लड़ रही थी ना, उसमें एसआईटी में इनको क्या मिल गया? भर्ती के खिलाफ तो सरकार लड़ रही थी ना, 5 साल की सरकार आपकी भी तो थी ना। देखिए बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, कई भर्तियों में, पुरानी भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड का भी एक नियम आया जिसका भरपूर प्रयोग इस सरकार ने किया, ठीक। 49 और पीएससी के बच्चों का मेडिकल आज तक इन्होंने नहीं कराया, वेटरनरी के आज तक इन्होंने नियमावली नहीं बनवाई, 12,460 मैंने इसलिए आपको बोला की 2000 दरोगा भर्ती वो फ्रेश भर्ती थी 2011 की जो थी। नहीं तो उस भर्ती को हमने नहीं लटकाया, उस भर्ती पे हमने तो मायावती के समय की भर्तियों को भी पूरा किया, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए मायावती के टाइम पे सिपाही भर्ती। विवेक जी फिर मैं अगर मैं इस पर चाहूँ ना तो मैं फिर बैठ के एकदम आराम से इस पर डिबेट कर सकती हूँ कि किस सरकार में कितनी भर्तियां रुकी हैं और कितने युवा परेशान रहे हैं। आप एक दिन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक दिन इसी मुद्दे पे विषय पे रखिए और मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को जोड़िए फोन पे, हमारी गलती हो हम भी स्वीकार करेंगे, इनकी गलती हो ये भी स्वीकार करे और मौजूदा सरकार भी स्वीकार करे, हमें भी अपना राजनीतिक चेहरा देखना चाहिए। स्वीकार करने का जो ये सिलसिला है ना, चुनाव आते ही हर कोई करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है सत्तासीन हो जाते हैं, उसके बाद ये मुद्दे सिर्फ विपक्ष के खेमे में चले जाते हैं, जो सत्तासीन होता है वो कोई नहीं। कि हमें अपना आईना भी देखना चाहिए, लेकिन आप उस बात को भी नहीं घुमा दे रही है, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप विवेक जी ये मान रहे हैं ना, एटलास आप यही मान रहे हैं ना कि अभ्यर्थी, मैं ये मान रहा हूँ कि मुद्दों पे बात करिए, मैं ये मान रहा हूँ कि मुद्दों की बात करिए और मुद्दे मौजूदा सरकार के, महंगाई, बेरोजगारी, मान रहे हैं कि नहीं की अभ्यर्थी अभी भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और बात का जवाब दे दीजिए, मांग रहे हैं हर बात भर्ती मांग रहे हैं तो वो त्रस्त थे आपकी भी सत्ता में और भाजपा की भी सत्ता में त्रस्त थे। 70,000 भर्ती में आप मुझे बताइए घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी ने अभ्यर्थी तो बेचारे आज भी त्रस्त थे और वो कल भी त्रस्त थे, मैं तो यही बोल रही हूँ। नहीं और उनपे लाठियां क्यों चली, उनपे लाठियां क्यों चली, इसका जवाब मानव जी दे, क्यों लाठी चली, क्यों एक बच्ची का हाथ तोड़ा गया मार करके लाठी से, उसका जवाब दे पहले, बच्चे थे वो, कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग नहीं थे वो। चलिए ठीक है विवेक जी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सुनील जी, जी अभ्यर्थी तब भी त्रस्त थे, आज भी त्रस्त थे, आज भी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, तब भी थी बेरोजगारी दर, तब भी लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा, हालांकि अभी तो फिलहाल तब भी काफी ज्यादा सुधरा हुआ है अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, उस वक्त तो जिस तरह विवेक जी आप थोड़ा तो मानेंगे, थोड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा तो सुधरा है, जिम्मेदारियां ले चुके हैं कि जिम्मेदारियों के साथ, देखिए मैं बसपा के टाइम का सुधरा नहीं बोल रही हूं, बदतर बनारस में निर्भया से बदतर कांड हुआ है, आपने किसी चैनल की आवाज उठाई? यही महीना था मोहनलाल गंज में हुई जो क्या उसको भूल गए आप? एक नग्न अवस्था में महिला की लाश मिली थी, आप भूल गए क्या? सच्चाई मुझे दोनों पार्टियों के मानस से पता है कि आपके सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी और आपके सरकार में कितनी सुरक्षित थी। विवेक जी ने लगातार बोला, मैं शांत रहा, तो जब विवेक जी बोल रहे हैं तो सुनने की भी क्षमता बिल्कुल रखें। मैं क्षमता है तभी पूछ रहा हूँ, आंकड़े दीजिए, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको, चलिए आइए आंकड़े दीजिए। भूल गए मोहनलालगंज में, मोहनलालगंज में प्राथमिक विद्यालय के बाहर एनसीआरबी के आंकड़े मेरे लिए लाश मिली थी महिला की। अरे महोदय एनसीआरबी के आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है। नहीं विवेक जी, डीजीपी आपके सामने भी एक बच्ची की हत्या हुई थी, निर्वस्त्र मिली थी, शायद आपको याद होगा, ना याद हो तो आप गौर करें। मैंने कब कहा कि अपराध नहीं हुआ? अभी आपने बोला एनसीआरबी की रिपोर्ट, योगी ने अपराधियों को नियंत्रण किया, अपराध नियंत्रण किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हमेशा करता हूं कि मौजूदा सरकार के कानून भटकते हुए विवेक जी और मानस जी, देखिए मैं फिर मैं कह रही हूँ, अगर आंकड़ों की बात है तो दोनों पार्टियों के आंकड़े लेकर मैं बैठ सकती हूँ, डिबेट कर सकती हूँ, उसमें अच्छी खासी आंकड़े हर सत्ता में आते हैं और आंकड़ों का हेर फेर किस कदर किया जाता है ये आपको भी पता है। हाँ, और ये सरकार जमीनी हकीकत यही बता रही है कि आपकी पार्टी में भी त्रस्त है और इस पार्टी में भी त्रस्त है, हालांकि जनता को चुनना है कि वो विकास के मुद्दे चुनते हैं या फिर जाति में फंसकर रह जाते हैं, ये जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। रणनीति क्या है आशीष जी, मैं आप पर आना चाहती हूँ, क्या रणनीति है इस बार की, क्योंकि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, गठबंधन पर आपने कहा कि अनाउंस हो जाएगा, लेकिन कुछ तो रणनीति बन रही होगी अंदर खाने।
देखिए रणनीति अवश्य बन रही है, किंतु वर्तमान में हमारा ध्यान केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता से अवगत कराना और उनके अधिकारों की लड़ाई में शामिल होकर दुख साझा करने का हम कार्य कर रहे हैं। और गठबंधन को लेकर यदि किसी भी प्रकार का आज शांति मार्च आपको करने नहीं दिया, कैसे आवाज उठाएंगे? देखिए आवाज तो ये लोग हर जगह पर दबा रहे हैं। आप पेगासस वायरस हो, जासूसी करना इनका देश के स्वतंत्रता पूर्व से ही कार्य रहा है कि फिर चाहे वो गोडसे हो, फिर चाहे वो सावरकर हो, जासूसी करने का कार्य तो इनके ब्लड में है, तो इनको तो कोई बंद नहीं करवा सकता। किंतु हमारा कार्य है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की जनता की आवाज को उठाना, जो आज हम विपक्ष में कर रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को यदि कोई गठबंधन होगा तो उसकी औपचारिक तौर पर जानकारी आपको सूचित कर दी जाएगी और मैं स्वयं प्राइम टीवी को फोन करके सूचित करूंगा कि कांग्रेस पार्टी किस राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने वाली है। सबसे पहले आप हमें बताइएगा, धार्मिक मनाने जो लोग आते हैं वो विकास की बात करते हैं, हास्यास्पद स्थिति है बिल्कुल। ठीक है, देखिए विकास की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, और आशीष प्लीज शोभा देता है जासूसी करना, प्रताड़ित करना, लोगों को मारना, कानून के स्थान पर माफी। गांव गांव चलो का आपने रथ यात्रा निकाल दी है, पंचर होगी कि नहीं होगी जल्दी से प्लीज, मेरे पास समय कमी मानस जी माफ करिएगा, लेकिन लास्ट लास्ट कमेंट में सबसे प्रताड़ित इन्होंने एक व्यक्ति को किया जो अपनी भर्ती का लेके पत्र आया कांग्रेस कार्यालय के अंदर। कितनी दूरी तक जाएगी, कितने सफर कितना लंबा तय कर पाएगी? मैं जवाब दे दे रहा हूं कीर्ति जी, जब जवान भी खिलाफ किसान भी खिलाफ, जब जवान भी खिलाफ किसान भी खिलाफ, समझो दंभी सत्ता के दिन बचे हैं चार। जवान ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और किसान आंदोलन आज भी बैठा हुआ है, तो आपके मुख्यमंत्री तो आप छवि सुधार करने आए हैं, आप अपने मुख्यमंत्री के पहले अपराधों की संख्या बताइए, जरूरत बन गई है। ठीक है मानस जी, अब आप बता दीजिए जो ये मुद्दे तमाम तरह से बोले जा रहे हैं, हालांकि बल तो आपको मिल गया है जिस तरह सुनील जी ने कहा कि योगी जी आ रहे हैं, लेकिन जनता का मूड कब बदल जाए ये भी बता नहीं सकते। सुनील जी ने बल दिया वो स्वाभाविक चीज है, वो उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता भी यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, सेवा करने के लिए, ना कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए जिस प्रकार से विपक्ष करते हैं। विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहला, दूसरा क्या लगता है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से बड़े वो चेहरे होंगे जिनको जल्दी से जगह मिल जाएगी? देखिए कीर्ति जी, मेरे विचार से अब मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री जी के लिए उचित नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक माहौल चल रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, पद तो देना ही पड़ेगा ना? जी अब देखिए जितिन प्रसाद जी को पद मिलता है या शर्मा जी को पद मिलता है, किसको पद मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना आउटलुक है, लेकिन इन 6 महीनों में खाली एक जाति समीकरण बैठ सकता है कि हाँ इतने जात के लोग यहाँ आ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाति राजनीति से एकदम त्रस्त है। अगर उस राजनीति को नहीं योगी जी अपनाएंगे तो आगामी चुनाव लोग उंगलियां उठाएंगे, देखिए हमारे वर्ग के लोग नहीं, जात के लोग नहीं है। यही कारण रहा कि दिल्ली में भी लोग जाति समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। जी इस समय कोई दायित्व नहीं, अब कोई दायित्व नहीं, 6 महीने में आप क्या प्रदेश में कार्य कर लेंगे? लेकिन संजय निषाद जी को मनाना है, जितिन प्रसाद को जगह देनी है, ब्राह्मण चेहरा सामने लेके आना है, तो जरूरी बन जाता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक और लगातार अब तो सुरीली जंग भी छिड़ गई है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का लड़ैया बता दिया है, वहीं सपा भी अपने गानों के जरिए अपने काम का बखान करने से पीछे नहीं हट रही है। तो देखना अहम होगा कि इस बार की जनता में किस मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, क्या विकास के मुद्दों को लेकर जनता आगे बढ़ेगी या फिर जाति में फंस के जनता रह जाएगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और हाँ देखते रहिए प्राइम डिबेट।